सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। अभी दिन के करीब 2:30 बज रहे हैं और मेरे ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से इसलिए हो रही है क्योंकि दिन से कुछ भी वीडियो बनाने का मन नहीं करा, लेकिन अभी अभी मुझे कुरियर वाले का फ़ोन आया कि आपका एक पार्सल आया हुआ है, कि मतलब प्रीति का सिल्वर प्ले बटन आ गया है और प्रीति गई है कॉलेज। तो उसके कॉलेज से आने से पहले मतलब हम वो रिसीव करने के लिए चले जाते हैं और उसको घर पर सरप्राइज़ देंगे। देख तो आज भी हम जाएंगे बुलेट से। यार मुझे हवा कम लग रही, हवा कम, बुलेट के टायर में हवा भी कम लग रही है, कहीं पंचर ना हो, बस हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मौसम भी गड़बड़ हो सकता है, देखते हैं कहां तक मौसम हमारा साथ देता है। देहरादून में आके ये आज मेरा तीसरा सिल्वर प्ले बटन है जो मैं रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। पिछली बार अपना, उसके बाद आशुतोष नेगी का, फिर अभी प्रीति का। प्रीति को कोई भी भनक नहीं है कि उसका सिल्वर प्ले बटन आने वाला है। बुलेट में अभी निकल गया है पंचर, पता नहीं क्या हो रहा। और घर पे ना दीदी लोग भी फोन नहीं उठा रहे, बड़ी वाली दीदी, उनको बताना था कि कहीं प्रीति को ना बताए वो गलती से, प्रीति घर आई क्या कर दो। तो अभी दिक्कत ये हो गई है, इस पे अगर पंचर लगवाएंगे तो टाइम लगेगा, इससे अब एक काम करते हैं इसको घर पे ले जाते हैं, वहाँ से मेरी बाइक उठाते हैं उसको ले चलते हैं। चलो जी, अब हम आ चुके हैं अपनी पल्सर पे, इससे जाएंगे अब आराम आराम से। तो पहुंच चुके हैं निरंजनपुर शाखा पीएनबी के बैंक के सामने। और आप में से जो लोग मेरे साथ काफ़ी पहले से जुड़े होंगे उनको याद होगा जब मैं अपना सिल्वर प्ले बटन लेने आया था तो यहीं पे आया था, बाकी अपने दोस्त का भी यहीं पे लेने के लिए आया था। अभी कॉल करते हैं उनको। जिस दिन सिल्वर प्ले बटन आता ना उस दिन की खुशी कुछ अलग ही रहती है। और पता, मेरा एड्रेस था सिल्वर प्ले बटन में, क्योंकि प्रीति का हम एड्रेस डाल नहीं पाए, उसका पैन कार्ड अभी बना नहीं था, तो लग ऐसे रहता कि प्रीति का सिल्वर प्ले बटन नहीं आएगा, लेकिन उसी का आ गया जल्दी। दीदी का आना अभी बाकी है। अब यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। कैसे है भैया? आलोक जी। हाँ मैं आलोक ही हूँ। ये लो जी, पहुंच गया है प्रीति का सिल्वर प्ले बटन इंडिया में, USA। हाँ जी हाँ जी, तभी मिलते हैं, ये वीडियो बना के मिलते हैं। ये तीसरी बार आ गए, अब एक बार और आना है, अब दूसरे नाम से आएगा। अरे जो अंकल जी है ना, पिछली बार भी आए थे हमको सिल्वर प्ले बटन देने के लिए। दो बार, अबे तीसरी बार है। हम पिलाते हैं आपको चाय। मैं ना पिलाऊंगा। हाँ मैं ना पिलूंगा आप घर में जाके ना प्रीति को देना है सरप्राइज, क्योंकि उसको हमने नहीं बता रखा कि उसका सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। तो अब चलते हैं घर की ओर। जो खुशी ना उस दिन हो रही थी जिस दिन मेरा सिल्वर प्ले बटन मिला था, सेम खुशी आज भी हो रही है। प्रीति का अभी मेरे को फोन आया, बोली कहाँ हो तुम, वो कॉलेज से आ गई है ना। मैंने कहा हम बाहर गए हैं बाइक पे कुछ काम करवाने के लिए। अब खुशी का माहौल है तो केक तो होना ही चाहिए, यहाँ पे केक ऑर्डर कर देते हैं। तो चलो जी, केक भी ले लिया है प्रीति के सेलिब्रेशन के लिए। चलो जी, आज का सारा काम निपटा दिया है और घर में भी पहुंच चुके हैं। तो बैग होने से सामान इतना गाड़ा तो यो दियो उड़ में से खड़ा इस स्थिति से मियर भाई। प्रीति को पता ही नहीं कि क्या था बैग में। मेरा ही तो है। मैं प्रीति को बताया नहीं बैग में क्या है। अब जरा मैं तो तैयार मुड़ दे मेरा भूत नहीं क्या मुड़ दे।
तो प्रीति को पता नहीं था कि उसका सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, तो उसने ब्लॉग की शुरुआत भी नहीं की। तो अभी छत पे जाके उसकी ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देते हैं। पहले बताओ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया लग रहा है। सोचा भी था कि हम सरप्राइज देंगे ऐसे वाला। मेरे मुंह से मैं आप तो बोला भी नहीं जा रहा ढंग से। मेरे मुंह में ना तब से आग पड़ रही, पता नहीं क्या हो रहा, गरम गरम होता ही ऐसे। चलो अब इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी आज मेरे पास कैमरा तो है नहीं, कैमरा ले जा रखा है जगदीश ने, मतलब बड़ी दीदी का छोटा भाई। उधर पे बड़ी दीदी का लड़का है, उसको दिखा रही हूँ। खुश हो गई है प्रीति आज। अब तेरा नंबर बताओ ना सबको। कहाँ पे दिखा दो। ना दिखाना नहीं है नंबर। तो फोटो शूट भी करवा दिया है। बाकी जो प्रीति का सिल्वर प्ले बटन है बिल्कुल चमचमा सा रहा है, अभी नया नया है ना, तो इसको अच्छे तरीके से रख लेंगे अब यहीं देहरादून वाले घर पे। बाकी जब प्रीति घर जाएगी तब घर ले जाएगी इसको। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया ना। देखिए इन सभी चीज़ों का श्रेय जाता है बस आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपका जो प्यार और सपोर्ट है ना वो हम तीनों भाई बहनों पर इतना है कि उसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। और प्रीति का जो फर्स्ट रिएक्शन था ना वो आपने देखा होगा, मतलब उसको लगा कि सब्जी सब्जी ला रखी होगी कुछ बैग में, वो खोलने लगी ऐसे। तो जो रिएक्शन था वो काफ़ी गजब का था। बाकी अब यहाँ पे अनबॉक्सिंग तो हमने कर ली है, वो प्रीति के चैनल पे आपको दिखेगी। और शाम को हम केक की कटिंग करेंगे। दीदी तो है नहीं यहाँ, बड़ी दीदी है और उनके बच्चे हैं, सासू जी हैं, तो सब मिल बांट के यहीं पर केक कटिंग कर देंगे। जिस दिन मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था ना उस दिन उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि वो सिल्वर प्ले बटन खुला हुआ था साइड से, मतलब उस पर दोबारा से टेपिंग करी हुई थी, तो कस्टम में होता ना जैसे, तो वहाँ पे खुल जाता है। बाकी प्रीति के उस पर बाहर से पन्नी भी है, मेरे से पन्नी नहीं थी। वैसे ना सिल्वर प्ले बटन के लिए कॉल हमें परसों आ गई थी, उन्होंने बोला कि ये हमको रुद्रप्रयाग भेजना था लेकिन उन्होंने रुद्रपुर भेज दिया, हल्द्वानी गया वो सीधे, फिर वहाँ से घूम के दिल्ली, दिल्ली से फिर यहाँ देहरादून, ऐसा कुछ सीन है। बाकी अब करते हैं शाम को केक कटिंग की तैयारी। तो चलिए जी, यहाँ पे तैयारी हो चुकी है केक कटिंग की और सभी लोग आ चुके हैं। सासू जी हैं, अमन है, गोलू है, जीजा जी हैं। इनको पूछ रहे थे ये हैं कौन, छोटे जीजा जी बस, ये है बड़ी दीदी, ये छोटे जीजा जी हैं कौन, ये हैं दीदी के देवर, तो इनको हम छोटे जीजा जी बोलते हैं। और यहाँ पे जगदीश भी है, प्रीति है और बाकी मैं भी हूँ। तो चलो आप कटिंग करो फटाफट। अब जरा साइज के नाक पे भी लगाते हैं, जरा साइज के कपार पे भी लगाते हैं और जरा यहाँ पे भी लगाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू यार, हर वीडियो में मेरा साथ देने के, आगे भी ऐसे साथ देने के। आप तो खुद करना पड़ेगा भाई। आप तो कौन करता था, नहीं तो बच्चों लड़ाई मत करो, वीडियो बना। तो यहाँ पे केक कटिंग भी हो चुकी है और सभी लोगों ने केक भी खा लिया है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बस हमारे घर में ऐसे ही केक कटते रहें, खुशियाँ आती रहें। और प्रदीप जिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हर बार सिल्वर प्ले बटन लेने के लिए यही आते हैं। क्या वो गोल्डन जुबली, क्या बोलते हैं उसको, वो डायमंड वाला, वो आने वाला है इनका। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।